हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग टुडे। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो राइट नाउ इट्स 4 AM इन द मॉर्निंग और अभी जस्ट हम सो के उठे हैं। आज दिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे रिवीजन के साथ, क्योंकि सुबह में माइंड फ्रेश होता है, कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं चल रही होती है माइंड में, आसपास भी थोड़ी सी शांति होती है, इस वजह से रिवीजन अच्छे से हो पाता है और थोड़ा लंबे टाइम तक याद भी रहता है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे करेंगे रिवीजन। तो हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं ग्रामर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, जो कि हमने नोट किया था निमिषा मैम की 120 रूल ऑफ ग्रामर से। एक्चुअली उसका PDF तो मुझे मिल गया था टेलीग्राम चैनल पे, बट PDF से पढ़ने में मुझे सही नहीं लगता। मतलब जब तक वो नोट्स मेरा खुद का बना हुआ नहीं होता है तो आई डोंट फील कम्फर्टेबल। सो इस वजह से मैंने खुद का प्रॉपर नोट्स बनाया। वो PDF अगर आप लोग को चाहिए होगा 120 रूल ऑफ ग्रामर की, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। उसी से फिर रिवीजन कर रहे थे। फिर कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, उसको जो भी चैप्टर चल रहा है मेरा, जो हमने रिवाइज किया। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और अभी जो हम सब्जेक्ट सबसे पहले करने वाले हैं वो है इंग्लिश, और इंग्लिश में सबसे पहले अभी हम PYQ सेट लगाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी जो PYQs हम लगा रहे हैं वो है CGL 2016 का। तो हमने यहाँ पे PYQs के 6 सेट लगाए थे, क्योंकि अभी 25-25 क्वेश्चंस के एक सेट रहते हैं, और 16 के पहले का जो पेपर होता था उसमें 50 क्वेश्चन रहता था इंग्लिश का, तो अभी ये कम हो गया है। और वैसे ही जब हम सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर, तो मम्मी नाश्ता लेके आ गई थी, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। तो नाश्ते में आज थी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको भिंडी का सब्ज़ी ही देखने को मिलेगा हमारे को ब्रेकफास्ट या फिर वो रात के खाने में या फिर लंच में, जो भी। तो अभी सबसे पहले खाना कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर आगे का स्टडी कंटिन्यू। तो हमने आप लोगों से बोला था कि हमारा जो स्टडी टेबल है वो नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, तो वो आ गया है और हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। ये उस रूम में नहीं, ये हमने दूसरे रूम में रखा है, क्योंकि उस रूम में स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वो मेरे भाई को भी पढ़ना होता है, तो एक साथ पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर रहे थे जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल बाकी रह गए थे उसको, और उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद हमने नीतू मैम की Volume 1 बुक से प्रीपोजिशन चैप्टर को किया अच्छे से, एक एक वर्ड को लिखे कि कौन सा वो प्रीपोजिशन किसके साथ लगेगा। तो इसमें दिक्कत होती ही है हमेशा, तो इस वजह से अभी हमने उसको किया एंड उसके बाद हम यहाँ पे उसके एरर्स लगा रहे थे। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद अभी बच चुके हैं 12:00, तो अभी हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और अभी सबसे पहले हम खाना खाएंगे। फिर हमने ब्रेक लिया, तो ब्रेक जो था वो 2 घंटे का था। तो अभी जो दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हैं वो है मैथ। मैथ में आज मेरी क्लास नहीं हुई थी, मैथ में अभी न्यू चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है वो है सिंप्लीफिकेशन। तो कल की लेक्चर का वो नोट डाउन करना बाकी रह गया था, तो हमने उसको जल्दी से कम्प्लीट किया, उसके बाद स्टार्ट किए फिर मैथ की प्रैक्टिस करना। तो अभी बज चुके हैं 6:00 और मेरी मैथ की जो प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद आगे का जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर हमने स्टार्ट किया अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि ऑफ कोर्स गौरव सर की सुबह वाली क्लास से होती है। तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हमने चेक किया कि CHSL एग्ज़ाम का वो अपडेट आया है कि नहीं हमारे रीजन का। तो उस टाइम तो नहीं था, बट जब हम वीडियो एडिट कर रहे थे उस टाइम पर आ गया। मेरी जो CHSL एग्ज़ाम की डेट आई है वो है 2 अगस्त को 2nd shift में। इस बार ना थोड़ा सा डाउट लग रहा है ऐसा कि एग्जाम दे या नहीं दे, क्योंकि मॉक टेस्ट में मेरा मार्क्स जो है वो अभी इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, मैथ में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा डाउट आ रहा है इस बार कि दे या ना दे जाके एग्ज़ाम। कि आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोग का वो किस डेट को है और किस शिफ्ट में है एग्ज़ाम CHSL का। तो मॉक टेस्ट में आज जो मेरे मार्क्स आए थे वो थे 113 out of 200। मुझे लगा था कि आज मार्क्स अच्छे आएंगे, बट इंग्लिश की वजह से गड़बड़ हो गया सब। जब भी ऐसा लगता है तो मेरे मार्क्स इंग्लिश में ही कम जाते हैं, वो गलत बहुत ज़्यादा हो गया था इंग्लिश में। मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद हम खाना खाने गए। खाने में आज था तीसी का पराठा और आलू चने की सब्जी। तीसी को कुछ लोग अलसी भी बोलते हैं, तो ये हमारे घर पे बहुत दिनों के बाद आज बना था। तो मॉक टेस्ट देने के बाद अभी हमने खाना भी खा लिया और अभी बज चुके हैं 11:00। मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो है वो बाकी रह गया है, उसको कल करेंगे। संडे है कल, तो कल मेरी मैथ की क्लास भी नहीं है। बाकी अभी हम जा रहे सोने, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।